अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? चल चुप चुप हो जा तू। बंदा लेके जा। चल यहां से आ जा। अरे बोल बोल। कुछ नहीं बोल रहा बेटा, तू बोल। बेटा चल, तुझे कुछ नहीं बोल रहा, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं बेटा। लड़ाई क्यों कर रहे हो? कह रहा हूं आ जा। अरे बोल बोल। कुछ नहीं बोल रहा बेटा, तू बोल। लड़ाई क्यों कर रहे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी वर्षा और आज मेरा साथ देने वाले हैं प्रैंक में शाम जो कि मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हैं इसमें। और आज का प्रैंक होने वाला है गाइस मनीष पे। मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए क्या फील करते हैं। लाइक गाइज, आप कमेंट्स करते हैं कि मनीष फील फॉर वर्षा, मनीष लव वर्षा। तो गाइज वही मुझे रिएक्शन देखने हैं, मनीष मेरे लिए फील करते हैं या नहीं। अब मनीष को मैं कॉल करने वाली हूँ। हेलो। हाँ मनीष, अरे मैं यहाँ पे पार्क में बैठी थी, मैं पूछ रही थी ये वाइन के शूट के लिए कितने बजे आना है। अच्छा, 2 घंटे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो पास वाला पार्क है ना, ऑफिस के पास में पार्क जो। हाँ ठीक है, तो मैं लोकेशन भेज देती हूँ, वहाँ पे आ जाना। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तुम्हारी लोकेशन 2 मिनट पहले खत्म हो गई। अच्छा, हम लोग ना थोड़े चल के यहाँ पे आ गए थे, सॉरी। एक सेकंड, मतलब वहाँ पे गेट है। हाँ। यहाँ पे एकदम बीच में आके बैठने कैसे तुम्हारे को? अरे वो, हाय मनीष, आई एम श्याम। श्याम कैसे हो? अभी दिन हो रहा है यार। कोई नहीं, दिन हो रहा तो श्याम। हाँ मैं ना, हाँ कुछ बताने के लिए बुलाया था। क्या बात है? कुछ बताने के लिए बुलाया था। ओहो नहीं, मतलब कुछ नया है क्या? हाँ ये नए है, आप दिख नहीं रहे। क्या हुआ था? बात ये है कि इन्होंने कल मुझे प्रपोज किया। काफ़ी दिनों से मतलब हमारी फ्रेंडशिप चल रही थी नॉर्मली, तो इन्होंने कल मुझे प्रपोज किया है, तो मैंने हाँ कर दिए। और मैंने इनको बोला कि मुझे ना तुमको किसी से मिलाना है, आप मेरे क्लोज हो टीम में, तो मैं सबसे पहले सोच रही थी आपको बता दूँ, इसलिए अलग बुलाया है। वरना मैं ऑफिस लेके आ सकती थी, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि सब लोग कहते हैं कि बॉयफ्रेंड को लेके आ रही है या ऐसा कुछ। तो फिर तो पार्टी वार्टी होनी चाहिए। पार्टी कर दूंगी, पहले आपसे मिलवाना चाह रही थी। कहाँ रहते हो? किशनगर। अच्छा सही है, पास में यार, बंदी यहाँ पास में रहती है, जब मर्जी आओ जब मर्जी मिलो। है काम पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, काम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब थोड़ा सा टाइम दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत हो गई है पहले, क्लियर। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि मतलब मैं अपने शूट अपने टाइम पे करूंगी और कोई कुछ शूट छोड़ के तुम्हारे पास ऐसे नहीं आऊंगी। ये जान दे रहे तुम इसको? बहुत टाइम से जानता था। अच्छा। एक तरीके से क्रश भी था, बता नहीं सकता। बहुत टाइम से फीलिंग अपनी छुपा के रख रखी थी, मैं शो नहीं कर पा रहा था। सच्ची बताऊँ तो मैं बोलते बोलते रुक गया, मैं बहुत कोशिश करी, मैसेज टाइप करते करते डिलीट कर दिए। एक टाइम ऐसा आया, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, बोलना पड़ेगा, रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने एक टाइम बोल दिया बिना डरे। पहले मतलब नॉर्मली फ्रेंडशिप चल रही थी, फिर तो लगा था यहाँ बोल देगी तुम्हारे को। कॉन्फिडेंट पूरा था, क्योंकि जिस तरीके से मैं धीरे स्टार्टिंग में बात करते करते, पहले हम नॉर्मल बात करते थे एज अ फ्रेंड, मैंने कुछ नॉर्मल अलग तरीके से बातें कोशिश करी पूछने की, यार कुछ है, कोई है, फ्रेंड है, अलग तरीके से बातें घुमा के मैंने पूछा, फिर भी बता नहीं पाई। थोड़ी देर मेरे को लगा कि अभी भी है कुछ, बात तो मैं पता चल जाता आजकल, तो हम खेले हुए बंदे हैं। अरे फ्लर्ट नहीं करती थी, मतलब फ्रेंडशिप थी, बात करती थी नॉर्मली। मैंने सोचा कि अगर मैं मतलब मैं रिलेशनशिप में आऊँगी तो सबसे पहले टीम में सिर्फ आपको बताऊँगी, क्योंकि आप क्लोज हो सबसे ज़्यादा। मैंने सोचा मिलवा। कितना प्यार करते हैं इसको? भाई सच्ची बोलूं बता नहीं सकता। oh, yeah. नहीं सकता भाई। मतलब रात को बोलने में बड़ी दिक्कत आई थी। मतलब प्यार नहीं करते हैं? अरे भाई बता नहीं सकता, मैं कैसे रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ भाई, अभी शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए मैं मानी हूँ कि मैंने कहा भाई कहने की बात नहीं, मम्मी से जाके बोल दो भाई। कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू भाई, बहुत बहुत। पिया को लेके आ जाते, उसको भी बता देते। तुमने मुझे बुलाया, बोला शायद कोई बात होगी। अच्छा मुझे लगा कि आप लोग दोनों साथ में आओगे। चलो ठीक है, फिर चल रही हो? अभी चल रही हो तुम? अभी हम सोच रहे हैं कि आधा घंटा बैठे। नहीं नहीं शूट पे कोई वो नहीं होगा। तुम ऑलरेडी आधा घंटा तुम लेट हो। ठीक है आधा घंटा बैठ के आती हूँ, ये मुझे वहीं पे छोड़ देंगे। चलो ठीक है, फिर तुम बैठो यहाँ पे। ठीक है ठीक है।
चलो ठीक है, जल्दी आना ठीक है, ठीक है बाय ब्रो। अरे यार ये तो कुछ फील ही नहीं करते, प्रैंक ही खराब हो गया। बिल्कुल भी यार, आप लोग तो झूठे ही निकल गए, कुछ रिएक्शन ही नहीं आए, अगर करते तो कुछ बोलते भी, ये कुछ बोलते लगा भी नहीं, मतलब, की कुछ है। हाँ, फेस से कुछ नहीं लगा ना यार, आप लोग ऐसी कमेंट्स करते रहते हो कि प्यार करते प्यार करते, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों बैठे, रुको मैं देख के आता हूँ, मैं देख के आती हूँ, ऑफिस जाते यहाँ, मेरा बैग यहीं पे रखा है ठीक है ना। हाँ आ रही हूँ। अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, यहाँ पे क्यों बैठे हो? अरे वो तो थोड़ा सा बैठा था यार। क्यों, वहाँ पे बैठ जाते हम लोगों के साथ में? अरे क्या वो हुआ? एकदम से बैठा हुआ चला, थोड़े चक्कर से आ गए थे मेरे को, चक्कर आ गए, चलो उधर की तरफ चलो, क्या हो गया? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, तुम जाओ बैठो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या हुआ, कुछ बताओगे, कैसे चक्कर आ गए? कुछ नहीं हुआ। क्या सोच रहे हो? नथिंग नथिंग नथिंग। बताओ कुछ बात है तो बताओ। बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं लगा मेरा? ठीक है यार, तुम खुश हो यार, खुश रहो यार। क्या खुश हूँ, बट आप अपनी भी तो बताओगे ना कि मेरे बारे में कि सही है मेरे लिए, क्या है? एक ही मीटिंग में क्या ऐसे सेट क्यों बैठे हो? तुम्हें अच्छा लग रहा है तो क्या हो गया यार? मैंने हाँ की है इसलिए, मतलब नेक्स्ट डे मैंने तुम्हें बुलाया है अकेले कि आप बताओ कि कैसा है लड़का। मुझे ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा। रो रहा हूँ मैं यार। आप तो अभी उधर कह के आए थे ठीक है, और आप तो पिया से प्यार करते हो ना, आपकी गर्लफ्रेंड है, क्यों रो रहे हो आप? तो मतलब क्या उसको मैं ये बोलूं कि यार नहीं नहीं, मतलब मतलब मैं वर्षा के लिए फील करता हूँ। पिया है गर्लफ्रेंड ठीक है, तो आप सी वर्षा एक बार बता, तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है, पहले यहाँ पे आकर बैठो सामने आकर। यार मैं मानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मानता हूँ, हाँ मतलब मैं अभी ऐसे प्यार करता हूँ और हम लोग रिलेशनशिप में हैं और लोग सब हम साथ में रहेंगे, पर मैं करता हूँ तुम्हारे लिए फील। कैसा फील करते हो? वही तो मैं मतलब पूछ रही हूँ कि तुम्हें like हुआ you, क्या है? I like you, पता है क्या सीन ये है कि मैं तुम्हें कह नहीं सकता बिकॉज मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ मैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यार मेरे लिए तुम्हारी कोई फीलिंग नहीं है। और तुमने उसको हाँ करने से पहले तुमने उससे पूछा, चूतिया सी शक्ल है उसकी। हर शक्ल पे मत जाओ, मतलब लड़का बात करने में नेचर में बहुत अच्छा है वो लड़का, मतलब बिल्कुल सब चीज़ के लिए रेडी है, मतलब तो ठीक है, बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो कल ही शादी कर लेंगे, ऐसा ऐसा है वो। यू बट यार मेरी भी कुछ फीलिंग्स है तो आए, फीलिंग्स है तो यार यार सुनो ना, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको देखो ये नहीं बोल रहा कि यार मैं एक बात नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैं कब तक सिंगल रहूंगी? मुझे भी तो चाहिए ना कि मतलब कोई मेरी लाइफ में आए। सॉरी बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार देखो मैं तुम्हारे लिए सच में फील करता हूँ, अब मुझे ना वैसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि हाँ भाई लाइक मतलब मुझे फिजिकल नीड है मुझे किसी चीज़ की या ऐसा कुछ, मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये भी चाहता तुम रिलेशनशिप में आ जाओ मेरे साथ में, लेकिन मैं चाहता तुम किसी और के साथ भी ना आओ यार, क्योंकि यार ठीक है तुमने कभी तुमने शादी करनी होगी तुम शादी कर लेना, अपने साथ में जाओ हस्बैंड के, अभी जब तक यहाँ पे तुम्हारे 3-4 साल हैं जो भी हैं तुम्हारे, क्या क्या हम लोग ऐसे ही एज एन फ्रेंड साथ नहीं रह सकते जिससे मुझे बुरा फील ना हो और क्या नाम है तुम्हारे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी ना हो यार। ये तो देखो मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लोग साथ में रहते हो, मुझे अच्छे लगते हो दोनों ठीक है, मेरे मन में ऐसी कोई फील नहीं है, मतलब आप मतलब क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं ठीक है। हाँ तो ठीक है, मैं वही बोल रहा, देखो जो सिंगल जो जो चीज़ें रिलेशन होती है वो नहीं रहेंगी ना, मतलब हम लोग वो चीज़ें नहीं रखेंगे, लेकिन और भी चीज़ें होती है लाइक साथ में घूमना, साथ में पार्टी करना, साथ में वो बहुत अच्छा है। अगर हाँ वो उसके लिए कभी मना नहीं करेगा, खत्म कर दिया ठीक है, मत करो ना प्लीज, मत जाओ रिलेशनशिप में, कैसी बात कर रहे हो, छोड़ दो यार आप कैसी बात कर रहे हो, एक दिन की ही तो बात है, बस एक दिन का ही तो रिलेशनशिप हुआ है, खाली हाँ ही तो बोला, मना कर दो यार उसको। तो वो मेरे पीछे कब से है, कब से वो मनाना चाह रहा है? श्याम मेरा बैग ले आना,
छोड़ दो ना इसको यार, एक दिन का ही तो बॉयफ्रेंड है बस। कैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। बेटा एक दिन की तो बात है यार, तुम क्या हुआ? थैंक यू। अरे यार शाम, देखना आप ये बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप में मत आओ, एक दिन का रिलेशनशिप है, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, अपने फ्यूचर का सोचो, और बोल रहे हैं कि मैं लाइक करता हूँ। क्या बोल रही है तू? ऐसा थोड़ी होता है यार, पता नहीं एकदम से क्यों तो बोल रहे हैं कि लाइक अच्छा करता है, तो मेरी सारी मेरी केयर करता, मेरी बात सुन लेता है, मान जाता है। हाँ बोल। ओ भाई तमीज से मत कर ले यार। क्या हुआ? बदतमीज। थोड़ी देर पहले तो तुमसे तुम करके बात कर रहा था, एकदम से तू पे आ गया। कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चलता है। जिस तरीके से हरकत है ना, तू ही बोलूंगा। अच्छा मतलब एक दिन में मेरी हरकत? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो बोल रहे हैं ऐसा कि लाइक करते हैं। अब वो चूतिए। ओ थोड़ा ना हल्के हल्के। तुम शक्ल नहीं है बहन चूत, कुछ ही बोल रहा था। अपनी देख, तमीज से बात कर ले उससे, अपनी देख। शाम तमीज से। चुप, तू चुप हो जा। लो ओ फिर तुम्हारा कहता चल, खड़ा हो, खड़ा हो, निकल। अबे चल, अब बाल निकल, चल। क्या कर रहे हो तुम? निकल। कैसे बात कर रहे हो? निकल। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? चल चुप, चुप हो जा तू, जा। चल दफो, निकल जा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, लड़ क्यों रहे हो? नहीं मानेगा। अरे बोल। लड़ाई क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ से निकल जा। शाम ये क्या बदतमीजी है? अरे ये तुम्हारा एक दिन का प्यार तुम्हारा है, कितना अच्छा प्यार तुम्हारा। तुम उधर जाओ, मुझे बात करनी है। मैं नहीं तेरा बात करने। अबे जा चल। एक सेकंड शाम, बातें कुछ क्लियर करने दो। भगा दे। बातें क्लियर करने दो, कैसे बात कर रहे हो? दो मिनट बात कर क्या? दो मिनट बात कर क्या? यार पता नहीं इतना हाइपर क्यों हो रहा है ये। तुम्हारा तो प्यार है ना, बहुत प्यार तुम्हारा तो ये है ना। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, कल तक मतलब अच्छे से बात कर रहे थे हम लोग और आज ऐसे बात कर रहे। मैं तो बोल रहा छोड़ दे उसको, मैं हूँ ना। यार छोड़ नहीं सकती, ठीक है वो मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत प्यार करता है तो पॉजिटिव होगा। मैं हूँ ना यार, तुम क्यों फालतू मौके से चक्कर पड़ रही हो? एक सेकंड, एक सेकंड। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और हम लोग देख रहे थे कि आपके क्या रिएक्शंस आते हैं और आप मेरे लिए फील करते हो सच में। मैं सिर्फ एक्सप्रेशंस देखना चाह रही थी, आपके रिएक्शंस देखना चाह रही थी। क्या वहाँ पे आपने कुछ रिएक्शंस? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं मतलब पब्लिक इतना कमेंट करती है हम लोगों को कि मनीष लव वर्षा, और मैं देख रही थी आपके, आप क्या रिएक्शंस देते हो, तो आप मुझे लाइक करते हो और आप इतना लड़ रहे थे। मैं लाइक नहीं करता पागल, वो तो मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं था, आप लाइक करते हो मुझे, मतलब लोग सही कहते हैं। पिया का क्या है फिर? पिया को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगी? सच बताऊं? सच बताऊं? हाथों, पता है इन्हीं हाथों से ना, अपने इन्हीं हाथों से तुमको प्रैंक करना सिखाया मैंने। तो तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम मुझे प्रैंक करोगे तुम पे चल जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेट तुम, जब तुमको मैंने करा, मैंने मुझे पता नहीं था कि मुझ पर कोई लाइक प्रैंक होने वाला है। जब वहाँ से मैं निकला, मैंने देखा कि कैमरा लगा वहाँ पर, मैंने सोचा चलो ऐसा पलट देते। मैं सच में यहाँ पे सदमे में बैठी हूँ। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, वैसे जा रहा है। बाकी तुम चाहो तो कोई बात नहीं, रहने दो, प्रैंक करते रहेंगे। तो गाइस मेरा प्रैंक हो गया है, रॉन्ग मैंने कर दिया है, इन्होंने कर दिया है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारी वर्षा को अभी जाके सब्सक्राइब करें। आपने मेरा खराब किया है, मैं नहीं बताऊंगी आपके बारे में। ठीक है गाइस कोई बात नहीं, भाई भाई जा, ठीक है।
कोई बात नहीं, बस भाई बंटी और बबली को भी सब्सक्राइब कर ले जिसने नहीं किया है अभी जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।